दमोह की घटना को लेकर मायावती के शिवराज सरकार पर हमला, दलितों गरीबों पर हो रहे अत्याचार। मायावती ने कहा कि आज ही दमोह जिले के देवरान में दबंगों ने दलित परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग और फिर पत्थर से कुचलकर तीन लोगों की हत्या कर दी। बाकी घायलों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देवरान में तीन दलितों की हत्या को लेकर मायावती ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने एमपी की शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा शासित सरकार में दलित और आदिवासी समाज पर अत्याचार लगातार जारी है। मायावती ने कहा कि आज ही दमोह जिले के देवरान में दबंगों ने दलित परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर पत्थर से कुचल कर तीन लोगों की हत्या कर दी। बाकी घायलों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। यूपी के पूर्व सीएम मायावती और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यह अंधकार युग जैसी ताजा घटना मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था के साथ साथ गरीबों, दलितों, आदिवासियों व महिलाओं आदि की सुरक्षा के मामले में सरकारी विफलता की पोल खोलती है। सरकार ऐसे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध नरमी नहीं बल्कि सख्त कार्यवाही करेगी।